लड़कों, लास्ट हम क्या पढ़ रहे थे कि रैम मेमोरी के अंदर डेटा कैसे सेव होता है, ये पढ़ रहे थे हम। ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया था कि बाइनरी कैसे चलता है, और हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो नंबर टाइप का जो डेटा है वो रैम मेमोरी में कैसे सेव होता है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको हम, कि ये जो एक बिस्किट दिख रही है आपको, दिस इज़ अ बिट। ठीक है, या अगर हम टेक्निकल जुबान में कहें तो दिस इज़ अ ट्रांजिस्टर। जो आपकी रैम मेमोरी होती है उसके अंदर अगर 2 GB है वो, तो इसका मतलब है कि 2 GB है वो। ठीक है, तो एक ट्रांजिस्टर एक वक्त में या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है, और इसी ऑन ऑफ के सीक्वेंस को लेके हर तरह का डेटा हम सेव करते हैं। अच्छा जी, तो हमने नंबर को स्टोर करके इसमें देख लिया था, 126, 178, 25, 56, ये नंबर सारे हमने इसमें स्टोर करके देख लिए थे। अच्छा, मैंने तुम लोगों से ये कहा था कि रिसर्च करना घर जाके, कि पॉइंट वाला अगर नंबर होगा कोई, वो मैंने नहीं बताया था इसमें कैसे सेव होगा। कौन बताएगा कि जो है ना हाँ, जो अगर नेगेटिव में कोई नंबर आ गया तो वो कैसे सेव होगा, और पॉइंट वाला जो नंबर है वो कैसे सेव होगा। किसी ने की रिसर्च आप में से? देता हूँ कि ये नेगेटिव नंबर को कैसे सेव करेगा। हम करते क्या है कि एक बिट को जो है ना हम रिजर्व कर देते हैं उसके लिए। ठीक है, जो सबसे शुरू वाला या सबसे आखिर वाला आई थिंक होता है, अभी मुझे सही नहीं याद आ रहा है कि कौन सा था, लेकिन फर्स्ट वाला या लास्ट वाला जो बिट होता है उसको हम रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक बिट, अगर मेरे पास 8 बाइट थे तो उसमें से एक बिट क्या हो गया, समझ लो ख़त्म हो गया। सही है, मतलब इसकी इसकी अब वैल्यू 128 नहीं रही, अब इसकी वैल्यू अब क्या हो गई है, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, जब ये 1 होता है तो इसका मतलब होता है कि साइन इस पे मौजूद है, साइन मौजूद होने का मतलब नेगेटिव है। सही है, और अगर ये 0 होता है तो इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब मैं इस 8 बाइट के अंदर कितने नंबर सेव कर सकता हूँ, 8 बाइट के साथ से मतलब टोटल देखिए तो अब मैं इस टोटल 8 बाइट के अंदर कहाँ से लेके कहाँ तक के नंबर, पहले मैं ये कर सकता था कि मैं 0 से शुरू करता था और मैं 255 तक के सेव कर सकता था, 0 से 255। अब इसमें कहाँ से कहाँ तक के सेव कर पाऊँगा मैं, वन ट्वेंटी एट हाँ भाई, नहीं 128 कहाँ से कहाँ तक, इसमें अभी भी अभी भी इसमें 256 नंबर ही सेव होंगे, अभी भी इसमें 256 नंबर ही सेव होंगे। आप इमेजिन करो, इन सबको मैंने 1 कर दिया अगर, तो ये क्या बनेगा, ये 127 बनेगा। अगर इन सबको मैं ऑन कर दूंगा तो ये 127 बनेगा ना, करके देख लें इसको, क्या 64 + 32 + 16 + ठीक है, 127 बनता है ये। तो अगर मैं इन सबको 1 कर दूं तो ये क्या बनेगा, 127, या तो 127 पॉजिटिव का या तो 127 नेगेटिव का। ठीक है, तो नेगेटिव 127 से लेकर पॉजिटिव 127 तक
मैं इसमें नंबर स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अभी वन है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, और जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मेरी जो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर वो नेगेटिव 127 से लेके पॉजिटिव 127 तक है, ठीक है। तो ये टोटल कितने नंबर बनते हैं, 127 नेगेटिव का माइनस वन सॉरी माइनस नहीं प्लस 127 पॉजिटिव का, ये 254 हो गया। अच्छा, और प्लस एक ज़ीरो भी तो होगा, अगर सबको मैं ज़ीरो कर दूं तो वो भी तो एक वैल्यू है, तो टोटल इसमें अभी भी 255 नंबर ही स्टोर होंगे, सही है। तो ये कुछ इस तरह का सीन है, लेकिन अब मेरी रेंज जो है वो चेंज हो गई है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो तो सेम ही है अभी भी, लेकिन मेरी जो रेंज है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, अब मैं नेगेटिव से भी मूव कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर मेरे पास दो बाइट है, ठीक है, तो पहले मैं दो बाइट में 65,535 तक के नंबर सेव करवाता था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 32,000 समथिंग तक का मैं नंबर सेव करा पाऊँगा, लेकिन नेगेटिव 32,000 से लेके पॉजिटिव 32,000 तक, इस तरह करके हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया इंटीजर नंबर्स जो होते हैं, जो बगैर पॉइंट वाले नंबर होते हैं। अच्छा, अब जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं उसमें क्या किया जाता है कि उसमें जितने भी मेरे पास बाइट अवेलेबल हैं, अच्छा पहली बात तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो नंबर वेरिएबल का जो साइज़ होता है वो फिक्स होता है ना, ऐसा नहीं होता कि मैं जैसे अभी मैंने बोला ना, अगर 8 है तो ऐसे है और 16 है तो ऐसे है, ऐसा नहीं होता है, आमतौर पे फिक्स होता है। जैसे हम अगर अब जावास्क्रिप्ट की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना वो 64 बिट का जो है ना नंबर वेरिएबल होता है, तो मेरे पास क्या होता है ऐसा 64 बिट होते हैं, 64 बिट होते हैं, ठीक है, या 8 बाइट कह लो आप उसको, तो ये ऐसे एक रो है ना, ऐसे ही नीचे 8 रो होगी सीधी सीधी, तो उसको क्या करते हैं इंटेलिजेंटली वो उसको डिवाइड कर लेता है दो हिस्सों में, एक को वो कर लेता है पॉइंट से पहले वाला नंबर और एक को कर लेता है वो पॉइंट के बाद वाले नंबर के लिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं गूगल पे जाके लिखूंगा ना, फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं इसको, ठीक है, ये कुछ इस तरह की इमेज मेरे पास बनी भी आ गई है, ठीक है। तो इसको एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, इसको 10 की पावर में सेव कर रहे होते हैं, जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम सेव करते हैं तो उसमें स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग हो जाती है, उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं 10 की पावर में सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो एक तो साइन हो गया एक तरफ, उसके बाद जो वो एक्सपोनेंट कह रहे हैं उसको, ये जो मतलब जैसे मैंने कहा ना 22.5, तो इसमें 22 जो है वो ये वाला पार्ट है और पॉइंट के बाद वाला जो 25 है वो ये है फ्रैक्शन सिग्निफिकेंस, ठीक है, जो भी इसका अजीब सा नाम रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ना होके और ये अल्टीमेटली -27 बनता है। अच्छा, ये जो अप्रोच है ना इसको, यानी 10 की पावर में सेव करने वाली जो अप्रोच है, इसमें किसी जगह पे और अगर बेहतर एग्जांपल मुझे दिख जाए ना, जो इसको 10 की पावर में करके ना डाल देते हैं उठा के, वो 10 की पावर वाला कहीं पे एग्जांपल अच्छी नहीं मिल रही, मे बी ये कुछ बेहतर एग्जांपल है, ये कुछ बेहतर एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अप्रोच करते हैं। अच्छा, ऐसी अप्रोच करने से दो फायदे होते हैं, नंबर एक तो मेरे पास प्रिसिशन पॉइंट्स मुझे मिलते हैं, आप नोट करें जो प्रिसिशन के बाद वाले बिट्स हैं ना वो ज़्यादा रखे हैं मेरे उन्होंने, ठीक है, प्रिसिशन पॉइंट्स मुझे अच्छे खासे मिलते हैं, और ये वाला दरमियान वाली जो जगह है इसमें बिट्स तो कम है, लेकिन क्योंकि ये 10 की पावर में तो ये अच्छा खासा बड़ा नंबर हो जाता है ना। तो इसके अंदर जो दो बाइट में मैं 65,535 तक जा सकता था ना, अब उसके अंदर मैं पता नहीं 2 बिलियन तक चला जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में स्टोर करवाऊँ तो, ठीक है। अच्छा, जो जावास्क्रिप्ट का जो नंबर वेरिएबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। जावास्क्रिप्ट में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप फ्लोटिंग पॉइंट के अलावा किसी और अप्रोच के ऊपर जाएं, ठीक है, दूसरी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इंटीजर भी बना सकते हैं, ठीक है, इंटीजर जो हमने कल डिस्कस किया था वो सारा इंटीजर डिस्कस किया था, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है और वो उसी तरह आपने उसको इस्तेमाल करना होता है। जी,
ये अच्छा सवाल किया इन्होंने, इन्होंने सवाल किया है कि यार ये मेरे पास तो सीधी सीधी बाइनरी लिखी हुई है, अब सीधी सीधी बाइनरी में मुझे कैसे पता लगेगा कि ये शुरू का वन है, ये साइन है या क्या है, है ना? तो इसका जवाब ये है कि जब वेरिएबल बनता है ना, तो उस वक्त ये बात पता होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि किस तरह का वेरिएबल बन रहा है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम इन तमाम चीज़ों को एक अलग जगह पर स्टोर कर रहा होता है कि जी वो जो कहाँ पर जो, क्योंकि ना देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये और थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि जी वो वेरिएबल जब बनता है ना तो होता क्या है। वेरिएबल जब बनता है मेरे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के अंदर जब, या किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में, तो मैं प्रोग्राम के अंदर लिखता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 5। अच्छा, अब मेरा जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है जब ये एग्जीक्यूट होता है ना, तो ये जिस जगह पे एग्जीक्यूट हो रहा है यानी कि गूगल क्रोम पे, तो ये गूगल क्रोम से रिक्वेस्ट करता है इस लाइन पे आके कि जी मुझे इतना अमाउंट ऑफ रैम मेमोरी चाहिए, ठीक है, और मैंने इसमें कुछ भी स्टोर कराना है। तो अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, उसके अंदर एक मेमोरी मैनेजमेंट का एक अलग से जो है ना पूरा पार्ट होता है, ठीक है? आपको पता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम जो, वो कर्नल होता है एक्चुअली, और कर्नल क्या होता है? कर्नल होता है बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स, यानी बंच ऑफ अलग अलग सॉफ्टवेयर को मिला दो एक साथ तो वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है, ठीक है? जैसे सेम इसे एक इदारे के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल होता है उसका एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो उस वहाँ तक ये रिक्वेस्ट जाती है और वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम या तो इसको ये एलोकेट कर देता है ये मेमोरी, या तो मना कर देता है, मना भी करता है समटाइम, ठीक है? अगर रैम अवेलेबल नहीं है तो मना भी कर देगा, ठीक है? तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है उसको ये बात पता होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो डिपार्टमेंट है मेमोरी में, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे हैं तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर को उसी ने मेमोरी एलोकेट किया, और किसको क्या एलोकेट किया, कब एलोकेट किया, उसके अंदर क्या स्टोर है, वो सारी चीज़ें उसको पता होती हैं, ठीक है? फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो है आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर भी कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ STD करके कहते हैं उसको, तो उसमें भी ये बात अलग से वो स्टोर कर रहा होता है कि ये जी वेरिएबल जो बना है ये किस टाइप का बना है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में तो हमारे पास टाइप है ही एक, तो ये वाला मसला तो जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, लेकिन सी लैंग्वेज या सी शार्प वगैरह दूसरे में, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब बन रहा होता है ना वेरिएबल, तो मैं जैसे इसमें लिखता हूँ ना लेट, तो अगर मुझे इंटीजर बनाना हो तो मैं लेट नहीं लिखता, मैं INT लिखता हूँ, सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मुझे फ्लोट लिखना होता है तो फिर मैं फ्लोट लिखता हूँ, है ना? मैं लिखता हूँ फ्लोट ABC इक्वल्स टू 5। तो ऐसे करके वो चार पाँच अलग अलग तरह के, अच्छा इंटीजर में भी 3-4 टाइप्स होती हैं और फ्लोट में भी 3-4 टाइप्स होती हैं, तो कुल मिला के अगर सिर्फ मैं C++ की बात करूं तो नंबर वेरिएबल कोई 6-7 के करीब नंबर वेरिएबल हैं, ठीक है? यानी 6-7 के करीब अलग अलग हैं और उनकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नंबर की टाइप है ना वो सिर्फ 2 है, अभी तक तो एक थी, अब 2 कैसे हो गई? एक तो जो हम अभी तक बनाते हुए आए हैं ना, एक तो वो है, और एक इसके अंदर रिसेंटली ऐड किया गया है जिसको हम कहते हैं बिग इंटीजर, ठीक है? बिग इंटीजर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आम तौर पे जो जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो हम सॉफ्टवेयर हाउसेज में ज़्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं, उसमें उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसमें 15 डिजिट तक का वो नंबर हैंडल कर लेता है, तो ये जितने भी बैंक्स हैं और ये जितने भी सारे चल रहे हैं तो 15 डिजिट तक मोस्टली कोई भी नंबर नहीं जाता है, ठीक है? इवन हमारी पॉपुलेशन भी जो आप है ना, जो 8 बिलियन है, तो उसके अंदर भी कितने जीरो हैं, 15 जीरो नहीं है उसके अंदर भी ना, 15 से कम ही है। तो अब इससे ज़्यादा बड़ा नंबर ना इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, तो बावजूद इसके कि वो कम ज़रूरत पड़ती है लेकिन उसमें मौजूद है जस्ट इन केस, तो उसको आप अलग से ही एक्सप्लोर कीजिएगा, उसको हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बिग इंटीजर हाँ, अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये भी ऑप्शन नहीं है आपके पास कि साइन अनसाइन आप चूज़ नहीं कर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है ना वो क्या होगा, वो साइंड नंबर ही होगा, वो साइन को कैरी करेगा चाहे प्लस या माइनस जो भी आप रखेंगे, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। ये दोनों चीज़ें इसमें फ़िक्स की हुई हैं इन्होंने, है ना? ज़्यादा इसमें इन्होंने इस मामले में कोई ऑप्शन नहीं रखा हुआ है। नहीं, इसमें जो सारे 64 बिट हैं, हाँ, जो बिग इंटीजर है उसका सीन अलग है, उसकी मेमोरी मैनेजमेंट बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। उसमें वो एज अ स्ट्रिंग उसको काइंड ऑफ एक हैंडल कर रहा होता है ना, एज अ स्ट्रिंग उसको शायद देख रहा होता है। अच्छा, तो मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता क्योंकि वो यूज़ मैंने भी नहीं किया खुद, बस थोड़ा सा एक आध बार देखा ही है उसको मैंने। अच्छा, तो ये बात समझ आ गई कि नंबर वाले सारे मामला हल हो गए। अब मुझे कौन ये सोच के बताएगा और से
या किसी ने अगर रिसर्च कर लिया ऑलरेडी कि नंबर तो मेरा सेव हो गया वेरिएबल में, टेक्स्ट कैसे सेव होगा? जो टेक्स्ट सेव होगा मेरे पास, मैंने इसके अंदर लिखा कि जी लेट माई नेम इक्वल्स टू मलिक, तो ये 5 कैरेक्टर MALIK के, ये बाइंड्री में कैसे सेव होगा? सही, हाँ भाई। और ये जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या ASCII कोड अप्लाई होता है, कुछ और अप्लाई होता है? नहीं, HexaDecimal तो कुछ और चीज़ है, UFT8। जावास्क्रिप्ट के अंदर UTF-16 का इनकोडिंग कैरेक्टर सेट इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं समझ आया उनके मैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई मैथमेटिशियंस ने ना जब उनके पास ये टास्क आया कि अच्छा जी नंबर तो स्टोर हो गया, अब हमने इसके अंदर टेक्स्ट डेटा भी स्टोर करवाना है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार अच्छा एक काम करते हैं, हम जितने भी टेक्स्ट के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स हैं ना A से लेकर Z तक, हम उन तमाम कैरेक्टर्स को कोई ना कोई नंबर असाइन कर देते हैं, ठीक है, और उसका एक चार्ट बना देते हैं। और हम क्या करेंगे, रैम के अंदर नंबर ही स्टोर करेंगे, लेकिन हम जैसे वो कहा ना कि साइन है वेरिएबल या अनसाइन है, तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं ये कैरेक्टर्स हैं, वो नंबर ही स्टोर करेंगे हम असल में मेमोरी में और बाइनरी में ही करेंगे, लेकिन हम सोच लेंगे कि यार ये जो है ना कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह करके इन्होंने सबसे पहला जो एक चार्ट डिसाइड किया था उसको ये ASCII कहते हैं, ठीक है। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंड, हाँ ये आ गया ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये इस तरह की एक इन्होंने चीज़ बना ली, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, 127 कैरेक्टर्स इसके अंदर शामिल किए। 127 कैरेक्टर किस निस्बत से, क्योंकि एक बाइट के अंदर 127 नंबर आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो नहीं सॉरी 127 नहीं, हाँ 127 ही आते हैं, 0 से लेके 127, तो 28 हो गया ना, 128 हो गया, ठीक है। तो अब आप देखें इसके अंदर जो है ना तमाम कैरेक्टर्स मौजूद हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं इसके अंदर। अब कैपिटल लेटर का जो ए है उसको 65 असाइन किया गया है डेसिमल के अंदर ना। अच्छा, हेक्सा डेसिमल और डेसिमल एक्चुअली चीज़ तो ऑलमोस्ट एक ही है ना, क्योंकि कंप्यूटर के लिए तो दोनों को ही कन्वर्ट उसने बाइनरी में करना है अल्टीमेटली, ठीक है। तो कंप्यूटर के हिसाब से देखो तो हेक्सा डेसिमल बोल लो या डेसिमल बोल लो, कंप्यूटर ने उसको बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक ही बात है। यहाँ पर ज़रा ह्यूमंस के लिए इन्होंने हेक्सा डेसिमल भी मैंशन कर दिया है। तो अच्छा 65 से शुरू है, अच्छा इसी तरह ये जाके कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये 90 पे जाके ख़त्म होता है, कैपिटल लेटर का जो ये जेड है ना यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है जी, 97 से जो है ना दोबारा 97 से दोबारा ये स्मॉल लेटर का शुरू होता है ए, और ये 122 तक काइंड ऑफ ये जाता है, ठीक है। तो ये स्मॉल और कैपिटल ये 8 से जेड तक हो गए, उसके अलावा जो है ना ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और ये बैक स्पेस और ये कैप साइन कॉलन सेमी कॉलन हाइफन, ये सारे इसमें ना जो मोस्ट कॉमन जो है, स्पेस का भी एक ASCII कोड है इसके अंदर, ठीक है। इस चार्ट के अंदर स्पेस भी शामिल है, क्योंकि स्पेस भी रखेंगे ना, वरना कैरेक्टर में स्पेस भी तो देना है मुझे। तो इससे हमें क्या पता लगा कि स्पेस जो होता है, अगर मैंने कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो उसमें स्पेस भी उतनी ही जगह ले रहा होता है जितना कैपिटल लेटर का ए या स्मॉल लेटर का ए ले रहा है, स्पेस भी उतनी ही जगह ले रहा होता है। हाँ अच्छा, अभी आस्ता आस्ता आते हैं उधर। तो ये हो गया। अच्छा अब क्या करना है मुझे, ASCII के अंदर जो है ना पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो क्या होंगी, 0 से लेके 127 तक की पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है ना। अच्छा तो मैंने लिखा एक कैरेक्टर, मैंने लिखा लेट माई नेम इक्वल्स टू ए, कैपिटल लेटर का ए लिख दिया मैंने, तो ये अब कितनी जगह लेगा। अच्छा इसके लिए ना मुझे पूरा एक बाइट रिजर्व करना होगा, ASCII के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ अभी मैं, पूरा एक बाइट रिजर्व करना होगा। क्यों, कि वो जो ए है ना उसकी जगह पे, यानी एक कैरेक्टर जो है उसकी जगह पे या तो ये जीरो वाला भी आ सकता है कोई नल, या तो ये 127 वाला भी आ सकता है ना, इसमें से कोई भी आ सकता है। अच्छा तो अगर मैंने एक बाइट से उसको कम किया, अगर मिसाल के तौर पर मैंने आधा बाइट कर दिया, अब आधे बाइट में क्या आता है भाई, 32 नंबर आते हैं, 0 से लेके 32 तक आएंगे, तो अब 32 के तो आ गए हैं सारे, ए से जेड तक के जो आइटम है तो सारे 32 से आ गए हैं, तो मुझे पूरा एक बाइट इसके लिए रिजर्व करना होगा। अच्छा फिर ए के बाद मैंने लिखा एल,
ठीक है, अली पूरा लिखना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पर तीन कैरेक्टर का, अच्छा तो ए के लिए पूरा एक बाइट, फिर एल के लिए भी पूरा एक बाइट, और फिर आई के लिए भी पूरा एक बाइट। तो ये ए एल आई जो मैंने अली नाम लिखा है वेरिएबल में स्टोर कराया, ये तीन बाइट लेगा अगर ASCII के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो, ठीक है, ये तीन बाइट लेगा, ठीक है। तो अच्छा, फिर ये मसला हल हो गया। अब मैं जितना भी बड़ा मजमून लिखूंगा तो पर कैरेक्टर एक बाइट ये ले रहा होगा ASCII। अच्छा, लेकिन ASCII के अंदर मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं है, जदीद दौर की ज़रूरियात के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो इसमें होनी चाहिए वो इसके अंदर नहीं है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इमोजीज जो अभी रिसेंटली ऐड कर दिए गए हैं वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी ज़ुबान का कोई वर्ड इसके अंदर मौजूद नहीं है, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो फिर इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाया गया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं UTF, ठीक है। अच्छा, UTF के भी ना तीन चार अलग अलग चार्ट हैं। एक है UTF-8, UTF-8 जो है वो क्या है, वो इसी तरह है, ASCII की तरह ही है, ठीक है। लेकिन वो क्या चाहिए, उसको एक बाइट चाहिए, एक बाइट के अंदर अंदर वो काम करता है, ठीक है। फिर इसी तरह है UTF-16 जो कि दो बाइट के ऊपर काम करता है। अच्छा, UTF-16 का मतलब ये है कि दो बाइट पे काम करने का मतलब ये है कि उसमें 65,000 कैरेक्टर हैं, 0 से लेके 65,000 तक के कैरेक्टर हैं उसके अंदर, जब भी मुझे उसके लिए दो बाइट की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इस तरह करके हो गया ये। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में तो UTF-16 हम इस्तेमाल करते हैं, शायद UTF-32 भी अब आ गया है। अच्छा, उसके अलावा एक और कैरेक्टर सेट है जिसको हम कहते हैं यूनिकोड, है ना, यूनिकोड कहते हैं। अच्छा, यूनिकोड सबसे ज़्यादा रिच कैरेक्टर सेट है, दुनिया की हर ज़ुबान के हर कैरेक्टर उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, यूनिकोड के भी फिर नए नए वर्जन आते हैं, अभी शायद 2.0 चल रहा है यूनिकोड का, या 2.1 चल रहा है, ठीक है। तो वो हर साल क्या करते हैं, उसमें कुछ नए कैरेक्टर्स को ऐड करते हैं, कुछ नए इमोजीज को ऐड करते हैं। तो ये जितनी भी टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप्स वगैरह हैं ना, उसके अंदर ज़्यादातर यूनिकोड को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चैट किसी भी ज़ुबान में हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो MS Word वगैरह टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, इसके अंदर जो इनकोडिंग का इस्तेमाल होता है वो यूनिकोड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इस वजह से अच्छा, यूनिकोड के अंदर जो है वो, बल्कि हर कैरेक्टर सेट के अंदर कुछ प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन प्रिंटेबल भी होते हैं, ठीक है। तो वो दोनों ही मौजूद, जैसे इसके अंदर भी देखो बैक स्पेस एक कैरेक्टर है जो कि प्रिंटेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से नल एक कैरेक्टर है, दैट इज़ नॉट अ प्रिंटेबल कैरेक्टर, ठीक है। इस तरह बहुत सारे नॉन प्रिंटेबल भी होते हैं जो प्रिंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। इसी तरह देखो डिलीट जो है, DEL, डिलीट जो है ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, इसको डिलीट को कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। डिलीट तो बैक स्पेस को बोलते हैं ना एक्चुअली। तो ये हो गया जी। UTF-16 का भी ज़रा दिखा दूँ मैं तुम्हें, UTF-16 भी दिखा दूँ ज़रा। अच्छा, UTF-16 इस तरह एक सिंगल इमेज में नहीं दिखेगा, सिंगल इमेज में दिखा रहे हैं क्या लोग, ओ भाई इतना बड़ा इमेज बना दिया इसने तो, देख रहे हो क्या कर दिया इसने ये। चलो छोड़ो इसको, वापस आओ। ये ना UTF-16 जो है ना, UTF-16 बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें वो लिस्ट बन के आ रही होती है, वो स्क्रॉलेबल पेज होता है ज़रा, फिर हम उसको ना, अच्छा नहीं ये तो ऐसी आर्टिकल है, चार्ट लिखता हूँ यार। अच्छा, UTF-16 के अंदर अच्छी बात यह है कि जो शुरू के कैरेक्टर्स हैं ना वो उसमें वही वाले हैं, ठीक है। शुरू के जो कैरेक्टर हैं वो ASCII वाले ही हैं, जितने भी ये नए कैरेक्टर सेट बने ये तमाम के तमाम क्या करते हैं, ASCII को ही एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे से नोट करेंगे तो जब इसमें आप पहुँचेंगे ना 65 के ऊपर, ये देखो कैपिटल A इसके अंदर भी 65 ही है, ठीक है। और 127 पे जो है ना डिलीट था ना, तो ये 127 पे जो कैरेक्टर, ये इसने यहाँ पे ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में लिखा है, इसने जो है नॉन प्रिंटेबल को यहाँ पे प्रिंट भी नहीं किया, ये इन्होंने अच्छा काम किया। वेल तो देखो हाइफन और डिलीट था ना वहाँ पे लास्ट में, और 122 पे ये जेड ख़त्म हो रहा था, तो यहाँ तक तो ये ASCII जितना ही है सेम है। इसके आगे अब देखो आप नए कैरेक्टर्स दिखेंगे तुम्हें, ठीक है। ये रजिस्टर्ड का साइन है और ये सारी चीज़ें हैं, ये कोई पता नहीं फ्रेंच शुरू हो गया है ना, अब ये 255 तक आके ख़त्म हो गया, अब ये इन्होंने ऊपर ना पेजिनेशन की हुई है।
अब मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ 3000 वाले पे चला जाता हूँ ना, ये सारे देखो कैरेक्टर्स हैं, ये कौन सी ज़ुबान है, देखो मलयालम वगैरह टाइप की कुछ, हिंदी विंदी टाइप की कोई ज़ुबान है ये, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर जो है ना इन्होंने, अच्छा कुछ इसमें बॉक्स बॉक्स बना हुआ रहा है ना जो, वो जावास्क्रिप्ट की क्या कहते हैं उस पर पता नहीं क्या इन्होंने किया, शायद वो हैंडल नहीं कर पा रहा है इसको ये, वरना बॉक्स बॉक्स उस तरह नहीं होता। ये इसके पीछे भी कोई कैरेक्टर है, या मे बी इन्होंने जो फॉन्ट इस्तेमाल किया उसमें वो कैरेक्टर मौजूद ना हो, इस वजह से भी हो सकता है ये, ठीक है। ये देखो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये जो बॉक्स बना हुआ रहा है ना ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिस में बॉक्स बना हुआ रहा है वो इसका मतलब है वो फॉन्ट जो इन्होंने इस्तेमाल किया उसमें वो मौजूद नहीं है। इसी तरह हम 6000 वाले कैरेक्टर पे अब चले जाते हैं, अब देखें इसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये पता नहीं कोई दूसरी ज़ुबान है। तो UTF-16 को जो है ना बहुत ही ये देखो अब अरबी शायद स्टार्ट हो गई है, है ना, ये ज़ेर ज़बर आ गया इसमें। तो इसको इस तरह से क्राफ्ट किया गया है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ना तमाम ज़ुबानों के, तमाम के तो नहीं, जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस के जो मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, ताकि अच्छा प्रोग्रामिंग के अंदर भी जाहिर है हर तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, सही है, कोई वेबसाइट बन रही है तो उसमें हो सकता है जर्मन में कोई हेडिंग लगाई हो मैंने तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन जर्मन के अंदर भी हो सकता है कोई ऐसा कैरेक्टर जो UTF-16 में अवेलेबल ना हो, तो फिर वो कैरेक्टर उसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से वापस आ जाते हैं अपने इधर। तो हमने अब ये देख लिया कि टेक्स्ट को सेव करने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअली कुछ भी नहीं करते, नंबर ही सेव कर रहे होते हैं, जस्ट हमने इमेजिन कर लिया होता है कि यार इस नंबर को मैं, इस कैरेक्टर को मैंने ये नंबर दे दिए, तो वो नंबर नंबर करके चला रहे होते हैं। कौन मुझे ये बताएगा कि इमेज को कैसे सेव करते हैं? जी सर, इमेज में पिक्सल सेव होता है बेसिकली, हमारा इमेज जो जिनके बनती है या स्क्रीन को हमारा एक पिक्सल होता है स्पेसिफिकली जो डॉट होता है बेसिकली, वो डॉट सेव होता है हमारे पहले। सही है, हां भाई सही कह रहे हैं ये। हाँ जी अच्छा, जो भी कोई पिक्चर होती है ना, जो रास्टर इमेज होती है, ठीक है, रास्टर इमेज उस इमेज को कहते हैं जो पिक्सल वाली होती है, एक बगैर पिक्सल वाली भी होती है उसको हम वेक्टर इमेज कहते हैं, ठीक है। वेक्टर इमेज की अभी बात नहीं हो रही, अभी हम रास्टर इमेज की बात कर रहे हैं, जो प्रोफाइल फ़ोटो आपकी JPG फॉर्मेट में आप लगा रहे होते हैं, ठीक है, या PNG फॉर्मेट में भी जो होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो है ना हर पिक्सल जो है आपको पता है RGB वैल्यू से मिलके बनता है ना। तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी फ़ोटो के अंदर आपकी एक फ़ोटो है यहाँ पे मिसाल के तौर पे, सही है, ये एक फ़ोटो है आपके पास, तो ये फ़ोटो आप इमेजिन कर लें कि 1000 पिक्सल ऐसे है और 1000 पिक्सल ऐसे है, हॉरिजॉन्टली 1000 पिक्सल है और वर्टिकली 1000 पिक्सल है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गई है, 1000 × 1000 1,000,000 पिक्सल हो गई है, 2,000,000 या 1,000,000 जो भी हो गए। अच्छा लेकिन मैं इसको ज़रा स्केल डाउन कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार ऐसे मेरे पास ना, ऐसे जो है मेरे पास सिर्फ 3 पिक्सल हैं और वर्टिकली भी सिर्फ 3 पिक्सल हैं, तो टोटल कितने पिक्सल हुए इसमें, 9 पिक्सल हैं इस वक्त मेरे। अच्छा उन 9 पिक्सल में से हर एक पिक्सल जो है वो किस कलर का हो सकता है, वो RGB का जो पूरा स्केल है उसमें किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है, RGB का जो पूरा स्केल है उसमें वो किसी भी कलर का हो सकता है। अच्छा तो इसका मतलब है कि जो एक पिक्सल है मेरा उसके अगेंस्ट मुझे 3 वैल्यूज़ चाहिए, RG और B, एक पिक्सल के अगेंस्ट मुझे 3 वैल्यूज़ चाहिए होंगी, RG और B, ठीक है। अच्छा R कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से 255 तक, ठीक है, GB और BB, ये तीनों 0 से लेके 255 तक होते हैं। अच्छा जब आप CSS पढ़ रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, तो उस वक्त शायद आपके जहन में ये बात आई होगी कि यार ये जो CSS के अंदर वैल्यू है RGB की, इसको 0 से 100 तक रखते हैं ना, ये क्या बेवकूफ़ी की है इन्होंने, 0 से 255 का क्या हिसाब है, आया होगा शायद ये सवाल कि 0 से लेके जो 255 तक इसको कर रहे हैं ये कौन सा हिसाब है, 0 से 100 तक करते जैसे ओपेक्सिटी है 0 से 1 0 है 255 तक होता है ना, उसका रीज़न ये वाला है, असल रीज़न जो है वो असल रीज़न ये है कि 255 का मतलब होता है एक बाइट, तो वो इसका मतलब है कि एक पिक्सल के पीछे मुझे 3 बाइट चाहिए, एक बाइट चाहिए रेड ब्लू और ग्रीन के लिए, तीनों के लिए एक एक बाइट,
सही है, और 0 से 255, 255 तक तीनों बाइट है। अच्छा अगर मैं तमाम वन कर दूंगा उसको तो वो ब्लैक हो जाएगा, सही है, सारों को मैं वन 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 कर, नहीं सॉरी वाइट हो जाएगा, सारे कलर मिलते हैं तो वाइट हो जाता है, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर सबको मैं फुल कर दूंगा सारे कलर को तो वाइट बन जाएगा, और सबको मैं ज़ीरो कर दूंगा तो वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब उसी को हेक्साडेसिमल में भी लिख लो आप, या आरजीबी में लिख लो, सीएसएस में दोनों तरीके मौजूद हैं, सही है। हैश करके जो लिखते हैं वो हेक्साडेसिमल तरीका होता है। तो हमें हर पिक्सल के पीछे क्या चाहिए, हमें तीन बाइट चाहिए एटलीस्ट, इससे ज़्यादा की भी ज़रूरत, अगर ओपेक्सिटी शामिल है तो इससे ज़्यादा हो, लेकिन अभी हम बेसिक सरफेस लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन हम सरफेस लेवल की बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह कलर प्रोफाइल्स भी अलग अलग होती हैं। आरजीबी इज़ नॉट दी ओनली कलर प्रोफाइल, एक सीएमवाई के कलर प्रोफाइल भी होता है। तो उसमें एक पिक्सल के पीछे मुझे चार डिफरेंट कलर चाहिए होते हैं, तीन नहीं चाहिए होते, फिर उसका मामला अलग है। लेकिन अभी हम सिंपल प्लेन रखते हैं, आरजीबी की बात करते हैं, जो मोस्ट कॉमन है, जो प्रोफाइल पिक्चर हम आरजीबी में लगा रहे होते हैं मोस्टली, जो हमारे मोबाइल फ़ोन के कैमरे हैं वो आरजीबी पे ऑपरेट करते हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है। सीएमवाईके वगैरह वो ज़रा एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें, वो प्रिंट के काम ज़्यादातर आती हैं। तो मेरे पास टोटल 9 पिक्सल की एक इमेज है, है ना, स्केल डाउन अभी मैंने छोटे लेवल पर समझा रहा हूँ, 1000 पिक्सल पर भी हो यही रहे काम। तो मेरे पास टोटल 9 पिक्सल हैं, एक पिक्सल के लिए मुझे तीन वैल्यू चाहिए, तो 9 पिक्सल के लिए मुझे कितनी चाहिए, 27 बाइट लेगा मेरा ये जो 9 पिक्सल की जो इमेज है ना मेरी, ये कितनी लेगी, 27 बाइट लेगी ये, ठीक है। अब इस तरह आप ये 1000 पिक्सल की बना लो इसको, आप 5000 पिक्सल की बना लो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। हर पिक्सल का एक कलर होगा, वो सारे पिक्सल जब आप देखोगे उसको मतलब जब मिला के तो आपको लगता है ऐसा कि कोई पिक्चर ऐसे बन के आपको दिख रही है। अच्छा जितनी भी डिजिटल स्क्रीन्स हैं वो तमाम की तमाम इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। उसको जो जाहिर है प्रोसेसर से निकल के आ रहा होता है ना इंस्ट्रक्शन के स्क्रीन पे क्या दिखाना है, ठीक है। जो अब आजकल तो जीपीयू वैसे इन्होंने अलग किए हैं कि जी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट ज़रा अलग कर दिया है, लेकिन वो भी असल में वो सीपीयू ही है, वो असल में प्रोसेसर ही है, उसको नाम जीपीयू दिया हुआ है लेकिन एक्चुअली वो प्रोसेसर ही होता है, ठीक है। ख़ास तरह का प्रोसेसर होता है जो इस मामले में ज़रा तेज़ होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं ना खाने पीने में बड़े तेज़ होते हैं कुछ बच्चे होते हैं खेलने कूदने में तेज़ होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं खाने पीने में चोर होते हैं। तो प्रोसेसर्स में भी ज़रा ये वाला मसला है कि कुछ ख़ास तरह के प्रोसेसर होते हैं वो किसी ख़ास चीज़ में तेज़ होते हैं, तो उसको जीपीयू का नाम दिया हुआ, दैट्स इट। तो हमने क्या देख लिया कि एक पिक्चर को अगर मुझे सेव करवाना है तो वो भी कंप्यूटर में अल्टीमेटली बाइंड्री में ही स्टोर होता है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं कि अच्छा जी देखो हमारे पास जो रैम होती है ना उसके अंदर क्या होता है, लाइन से ट्रांजिस्टर्स होते हैं और हर ट्रांजिस्टर का एक एड्रेस होता है। मैं कहता हूँ यार इस एड्रेस से जो शुरू है ना ये एक पिक्चर है, और अगले कितने बाइट तक है, अगले 200 बाइट तक है। यही वजह है कि आप जब भी किसी कंप्यूटर में कोई पिक्चर खोलते हैं उसके बाइट वो फौरन दिखाता है साथ में कि इतने बाइट का है ना, कि वो रैम में जहाँ से भी शुरू है वो जो भी उसका एड्रेस है वहाँ से 200 बाइट तक आ गया ये पिक्चर है, और उसको वो फिर ट्रांसफॉर्म करके जो है ना प्रोसेस करके दिखा रहा होता है, ठीक है। हार्ड ड्राइव के अंदर जब ये स्टोर होती है पिक्चर तो ये इस फॉर्मेट में होती है। अच्छा हार्ड ड्राइव में स्टोर हुई कोई भी चीज़ को ना डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता, हार्ड ड्राइव में चीज़ स्टोर हुई हुई को स्क्रीन पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी होती है उसकी, और फिर वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा अब वीडियो कैसे होगी, ये वीडियो असल में क्या होता है, फोटो ही होती है वीडियो जो है वो इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, वीडियो असल में फ़ोटो ही होती है, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत सारी फ़ोटो होती है और वो फ़ौरन चेंज हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक वीडियो है, अगर वो 5 सेकंड की वीडियो है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि 5 सेकंड के अंदर वो हज़ारों फ़ोटोज़ मुझे दिखा रहा होता है बदल बदल के, और जब फ़ोटो तेज़ी से बदलती है तो मुझे लगता है कि वो पिक्चर मूव कर रही है। हाँ हाँ फ्रेम्स होते हैं, हाँ। तो ये जब आपको पता है मूवीज़ जो हम देखते हैं ना इसको एक ज़माने में पिक्चर बोला करते थे, पिक्चर इसको इसीलिए बोलते थे, और एक कंपनी भी आई थी इस नाम से, उसको कहते थे मूविंग पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर कंपनी थी वो एक, तो वो मूविंग पिक्चर कहते थे असल में, क्योंकि लोगों को तो वीडियो पता ही नहीं था ना, लोगों को तो फोटो पता थी पिक्चर पता थी, तो वो पिक्चर ही उस लगता था कि वो मूविंग पिक्चर है, वो कि पिक्चर यार मूव करेगी। अब जाहिर है आपको पता है अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करते हैं अलग अलग ज़माने में लोग, तो उन्होंने कहा यार ये मूविंग पिक्चर है,
शुरू में समझाने के लिए, बाद में तो उनको पता लग गया अच्छा जी ये वीडियो इस तरह से चलती है। तो मूविंग पिक्चर में क्या है कि जी वो एक सेकंड में आपको 23 फ्रेम का कोई स्टैंडर्ड सेट किया था उन्होंने। अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग होता है, जो हम टेलीविजन देखते हैं ना उसमें 9 पॉइंट समथिंग होता है, 9.5 समथिंग होता है, ठीक है, और जो हम सिनेमा देखते हैं उसके अंदर जो है ना 23 पॉइंट समथिंग होता है या 28 होता है, 24 पॉइंट समथिंग होता है जो सिनेमा जो स्टैंडर्ड है इसको। अच्छा, इसी तरह जो हमारी जो यूट्यूब की वीडियोस हैं उसमें 60 FPS जो है वो प्रेफर्ड है, लेकिन 30 भी है। जो पुराने मोबाइल फ़ोन है वो 30 FPS पर रिकॉर्ड करते हैं, जो नए वाले फ़ोन है वो 60 FPS पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। 60 FPS का मतलब है कि एक सेकंड में 60 फ्रेम चेंज होगा, ठीक है। तो एक सेकंड में 60 फ्रेम चेंज होगा तो मिसाल के तौर पर मेरी एक पिक्चर जो 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल की है तो उसने 1 million byte तो यहीं ले लिए। कितने हुए, 1000 multiply by 1000 कितने होते हैं यार, 1 million होते हैं। तो 1 million byte तो इधर गए एक ही पिक्चर में। अब वो 1000 pixel by 1000 pixel की अब मेरे पास वीडियो है और मुझे क्योंकि 1 million ले रहा है वो एक फ्रेम के लिए, तो 60 frame के लिए मुझे 60 million bytes चाहिए। तो उस वीडियो का जो एक सेकंड होगा वो 60 million byte का होगा। अब उसको GBs में इसीलिए कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि बोलने में आसान हो। तो उस 5 second की वीडियो का जो अगर वो 60 FPS पे चल रही है और वो 1000 pixel by 1000 pixel की वीडियो है तो उसका एक फ्रेम मुझे कितने पे पड़ेगा, 60 million byte पे पड़ेगा। फिर दूसरा फ्रेम भी 60 million byte, फिर तीसरा फ्रेम भी 60 million byte और तीसरा सेकंड सॉरी, ठीक है। तो अगर 5 second की वो वीडियो है तो 60 million multiply by 5 करके उसका टोटल साइज़ बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बात की ये सारी मैंने थियोरिटिकल बात की है, ठीक है। एक्चुअल जो वीडियो होती है ना उसमें ज़रा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है मामला, क्योंकि आपको पता है कुछ फॉर्मेट ऐसे आ गए कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट है। अब वो कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट में ना अलग अलग टेक्निक करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर दो फ्रेम अगर एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे चेंज होता है और कोई ख़ास पिक्सल है जो कि चेंज नहीं हुआ तो वो अगले फ्रेम में वो पिक्सल होता ही, मतलब इस तरह करके वो थोड़ा साइज़ को कम करते हैं, कॉम्प्रेशन करते हैं उसकी, ठीक है। ये भी करते हैं कॉम्प्रेशन इस तरह भी कि जो है ना जो कलर प्रोफाइल होती है उसको ज़रा चेंज वेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन यानी जो खास तौर पे YouTube जो कॉम्प्रेशन करता है वो कैसे करता है कि जो एक फ्रेम आया पहला फ्रेम, अब अगला फ्रेम जब आएगा ना तो अगर अगले फ्रेम में कोई ऐसी जगह थी जो चेंज नहीं हुई तो वो पिक्सल ही गायब कर देता है अगले फ्रेम में से वो, तो लिहाजा वो पुराना ही पिक्सल दिख रहा होता है मुझे उस फ्रेम में, ठीक है। अगर बंदा यूँ यूँ मूव कर रहा है ना उसका बैकग्राउंड मूव नहीं कर रहा अगर, तो बैकग्राउंड का एक ही फ्रेम होगा जो पहला फ्रेम आया वही खड़ा हुआ होगा, बाकी फ्रंट जो बंदा है ना वो ट्रांसपेरेंट इमेज के तौर पे वो मूव, जैसे PNG इमेज होती है आप समझ लें, बैकग्राउंड में पहला फ्रेम है बाकी PNG इमेज सामने मूव कर रही है। तो इस तरह करके डिफरेंट तरह की वो स्ट्रेटजीज करते हैं। जो कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट है ना, MKV एक अलग फॉर्मेट है, MP4 एक अलग फॉर्मेट है, MOV है एक, है ना, और एक M4A करके है वो तो ये इन तमाम फॉर्मेट्स के अंदर ना यही छोटी छोटी चेंजेस हैं। कोई कहता है कि ना हमने HD वीडियोज़ के लिए उसको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, कोई कहता है कि जी हमने ना वो ऑडियो वीडियो सिंक अच्छा किया हुआ है, कोई कहता है कि जी हमने जो है ना फ्रेम रेट को सिंक अच्छा किया हुआ है, इस तरह के वो छोटे छोटे उन्होंने करके अपना सेलिंग पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, फोटो देख ली और वीडियो देख ली। ऑडियो कैसे स्टोर होता है, कैसे होगा, तो बाइनरी में ही सब कुछ, ये तो समझ आ गया। लेकिन मैं एक ऑडियो को, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस ऑडियो को मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा बाइनरी के अंदर, हाँ भाई क्या लगता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो चला जाता है, बात तो चलो सही की है लेकिन वो बात समझाओ ना ज़रा, समझा के करो बात, समझ नहीं आई ये बात कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। हाँ भाई कुछ समझ आ रहा है, क्या किया जा सकता है इस ऑडियो के साथ। सर उसमें एक ग्राफ बता ना, एक साउंड वेव का, कि ऊपर की तो 1 है नीचे की तो 0 है। सही, और
अच्छा देखो, जो ऑडियो है ना, वैसे ऑडियो जो है वो एनालॉग डेटा है ना, तो इसको सही मानों में कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया ही नहीं जा सकता। सही है, ऑडियो जो है उसको कभी भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये एनालॉग डेटा है, ठीक है, ये हारमोनी है। एनालॉग डेटा समझते हो ना, एक होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग, ठीक है। जो डिजिटल डेटा होता है ना, वो तो ये होता है बाइनरी में, कि जी एक बिट है ये वन है और वन ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। जो नेचर जितनी भी ना, वो सारी एनालॉग पे चलती है। जैसे आप उसकी मिसाल समझो कि कांटे वाली घड़ी जो है, कांटे वाली घड़ी ना वो एनालॉग है, ठीक है। वो मतलब डिजिटल घड़ी में तो क्या होगा कि या तो 8:05 हो रहे होंगे या तो 6 मिनट हो रहे होंगे, लेकिन एनालॉग घड़ी में ना वो 8:05 और 8:06 पे भी वो कांटा खड़ा हो सकता है। वो डिजिटली मूव नहीं कर रहा, वो एनालॉग मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जितनी भी ये साउंड जो है, ये क्या है, ये एनालॉग डेटा है, ठीक है। इसी तरह एनालॉग डेटा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना एनालॉग होती हैं, जैसे जो अभी मेरे जहन में और कोई मिसाल ही नहीं आ रही वैसे। अच्छा, वैसे जो हम फोटो लेते हैं वो भी एनालॉग ही होता है, लेकिन उसकी भी डिजिटलाइजेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, एक जो फोटो शुरू शुरू में ली जाती थी, उसमें क्या होता था कि जी एक वो नेगेटिव होती थी, और नेगेटिव क्या होती थी, वो लाइट सेंसिटिव होती थी। तो हम क्या करते थे कि उसको लगा के ना, ऐसे अंधेरे कैमरे के अंदर अंधेरा होता है ना, उसको यूँ लगाते हैं और कैमरे का शटर यूँ खोलते हैं और यूँ बंद करते हैं, तो वो उसके ऊपर 1 सेकंड तक जो लाइट लगती है ना, वो लाइट उसके ऊपर क्या होती है, छप जाती है। वो लाइट उसके ऊपर वो उतना हिस्सा उड़ जाता है, समझ लो वो धूप लगते ही फेड हो जाता है, तो उससे पिक्चर्स ही उस पर बन जाती है उस नेगेटिव में, लेकिन उसको कैमरे से बाहर नहीं निकालते। वो सारी जब खींच लेते हैं अंधेरे अंधेरे में ही सारा चक 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 करके उस पर छपता चला जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, उस कैमरे को वैसे ही लेके अंधेरे कमरे में जाते हैं, और अंधेरे कमरे में जाके उसको खोलते हैं और उसको एक केमिकल में डुबा देते हैं। तो उस केमिकल में डूबने से वो रंग पक्का हो जाता है, फिर अब उस पर धूप लगे कुछ भी लगे, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, समझ रहे हो बात। तो ये इनिशियली पिक्चर्स इस तरह ली जाती थी, अब वो चीज़ डिजिटल सेंसर्स के ज़रिए होती है, कि जी हमारे पास जो डिजिटल कैमरा है ना, जो DSLR, उसके अंदर एक चकोर सा सेंसर होता है, और उसके आगे भी लेंस होता है और शटर लगा हुआ होता है। जब हम क्लिक करते हैं तो शटर यूँ हटता है, थोड़ी देर लाइट लगती है और वापस है, तो वो जो सेंसर लगा हुआ है पीछे वो लाइट सेंसिटिव होता है। तो वो उस एक्चुअली उस सेंसर के अंदर छोटे 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 बॉक्सेस होते हैं, तो वो किस बॉक्स पे कितनी लाइट लगी है ना, वो सैम्पलिंग हो जाती है और उसको वो पीछे स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो कितनी लाइट लगी है, इसकी इंटेंसिटी है वो क्या है, 0 से लेकर 255 तक उन्होंने रखी हुई है, तो ये एक्चुअली इसकी सैम्पलिंग हो रही है। तो एक्चुअल एनालॉग डेटा कभी भी स्टोर नहीं हो सकता, वही हम उसको डिजिटलाइजेशन करते हैं। इसी तरह जो ऑडियो है ना हमारे पास, ऑडियो में भी हम क्या करते हैं, इसकी सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो क्या कर रहा होता है, वो 44 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर मोस्टली चला रहे होते हैं ना रिकॉर्डिंग, जो आमतौर पे होती है वो, जैसे 60 FPS वीडियो है, इसी तरह 44 किलो हर्ट्ज़ जो है वो MP3 का स्टैंडर्ड है, ये 44 किलो हर्ट्ज़ पे ऑडियो रिकॉर्ड होगी। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 44 किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है ना, हाँ, एक हर्ट्ज होता है, 1 किलो हर्ट्ज होता है, तो 1 सेकंड में 44,000 टाइम्स जो है वो क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं। अब वो सैंपल लेते किस चीज़ का है, वो सैंपल इस चीज़ का लेते हैं कि जैसे जो साउंड क्रिएट होती है वो असल में पर्दा होता है स्पीकर का, उसके हिलने की वजह से वो साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। तो जो साउंड का इनपुट है ना, वो भी उसी तरह होता है, पर्दे की तरह होता है। तो ये माइक जो मेरे हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या है, एक छोटा सा स्पीकर ही लगा हुआ है। स्पीकर और माइक का जो मतलब क्या कहते हैं उसको, जो स्ट्रक्चर होता है मोर और लेस वो सेम ही होता है, ठीक है। जस्ट माइक का जो पर्दा होता है ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल सा होता है और बहुत बारीक सा होता है माइक का जो पर्दा है। स्पीकर का पर्दा ज़रा स्ट्रांग होता है और ज़रा वो उस पर मुक्का भी मारो तो कुछ नहीं होता उसको, मुक्का मार नहीं देना, वैसे फट भी सकता है मुक्का मारने से वो ना। तो तो मैंने जो हाथ में माइक पकड़ा हुआ है, इसके अंदर जो लगा हुआ है ना, जो मेरा ऑडियो इनपुट ले रहा है, जो वो भी असल में क्या कर रहा है, वो असल में एक छोटा सा स्पीकर टाइप की चीज़ लगी हुई, इस पर एक पर्दा लगा हुआ है। जब मैं बोलता हूँ उस पर्दे से वो टकराती है, वो पर्दा हिलता है, तो उस हिलने का जो है ना सैंपल लिया जाता है, कितनी दफ़ा, 1 सेकंड में 44,000 टाइम्स लिया जाता है, और उस सैंपल को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और जब उस ऑडियो को दोबारा प्ले करते हैं तो क्या करते हैं, वही जो सैंपल स्टोर हुए हैं उसको इलेक्ट्रिकल पल्स स्पीकर पर भेजते हैं, तो वो पर्दा उसी तरह हिलता है जैसे यहाँ मेरे बोलने से हिल रहा है, उसी तरह हिलता है, तो वो साउंड दोबारा मुझे आ जाती है, ठीक है। अब इसमें अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी, पर्दे की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें अब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा क्या हुआ है, जो मैंने एक्चुअल जो मेरा साउंड है वो रिकॉर्ड
हुआ ही नहीं है, सैंपल उसका रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। यही वजह है कि अगर आपने किसी बंदे को सामने से बोलते हुए सुना है, ठीक है, तो सामने से बोलते हुए जो आपके कानों तक आवाज़ पहुंची है वही चीज़ रिकॉर्डिंग आप करेंगे ना तो वो एक्चुअल में वो आवाज़ नहीं होती। अच्छा, वो क्योंकि इतनी करीब तरीन हो जाती है कि ह्यूमन एयर उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम कि यार ये एक्चुअल बंदा बोल रहा है या ये स्पीकर से आवाज़ आ रही है। अब इतने अच्छी स्पीकर आ गए और इतनी अच्छी वो सैम्पलिंग कर ली है उन्होंने, लेकिन सही मानों में वो एनालॉग डेटा स्टोर नहीं होता है, वो उसमें से कुछ ना कुछ डिटेल्स हम क्या कर जाते हैं, लूज़ कर जाते हैं, है ना। अच्छा, फिर इसी तरीके से जो हमारे पास जैसे जो आप कह लें कि इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कोई सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। अब वो सारे इंस्ट्रूमेंट एक अच्छा सा माइक लगा के उन सबको रिकॉर्ड करके उसको स्टोर कर दिया गया और पब्लिश कर दिया गया। अब वो जहाँ जाके प्ले होगा ना तो हर स्पीकर इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता कि वो हर साउंड को रीजनरेट कर पाए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर स्पीकर थोड़ी हल्की क्वालिटी का है तो उसको जो पल्स मिल रहे होते हैं वो हर पल्स उसको समझ नहीं आता, जो समझ आता है वही है। यही वजह है कि अगर आप कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का स्पीकर या हेडफोन लगाते हैं और आप कोई वही गाना जो हमने पहले सुना हुआ होता है उसी को दोबारा सुनते हैं तो उसमें आपको नए इंस्ट्रूमेंट्स सुनाई देते हैं जो आपने पहले नहीं सुने होते। आप कहते हैं अरे इस गाने में ये इंस्ट्रूमेंट टंग टंग कहाँ से हो रहा है, ये तो नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो स्पीकर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो इसमें ये सारे फैक्टर हैं, ये डिजिटलाइजेशन कहलाती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस साउंड के मैं सैम्पलिंग करके उसको स्टोर करता हूँ, ठीक है। ये जितने इसको इसका पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये टोटली इसी चीज़ के ऊपर डील करता है कि किसी एनालॉग डेटा को डिजिटलाइज हम कैसे करेंगे, उसकी सैम्पलिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी जो होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी डिजिटलाइज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमेशा एनालॉग होते हैं, ये जितने भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं जितनी भी, ये सारी की सारी क्या होती हैं, एनालॉग होती हैं। इन सबको डिजिटलाइज करके जो रेडियो वायरलेस रेडियो जो हम इस्तेमाल करते हैं ना बात करने के लिए, तो उसमें भी ये सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ये जितने भी इंटरनेट की कम्युनिकेशन हो रही है ये सारा का सारा क्या हो रहा है, ये एनालॉग और डिजिटल का गेम है। क्योंकि इंटरनेट में जो डेटा ट्रैवल करता है तारों में वो लाइट की सूरत में करता है और लाइट जो है इज़ अ एनालॉग डेटा, ठीक है। लेकिन उसको डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल कई दफ़ा ट्रांसफ़र किया जाता है और अल्टीमेटली उससे हमारा डेटा क्या होता है, ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। तो हमने जितनी भी पॉसिबल चीज़ें थी सारी इसके अंदर हमने क्या कर ली, डिस्कस कर ली कि जी कोई भी चीज़ किसी भी किस्म का डेटा अब हम इस काबिल हो गए कि हम मेमोरी में स्टोर करवा पाएँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ये आपने खुद कभी भी नहीं करनी होंगी, ये सारा कुछ अंडर द हुड हो रहा होता है, ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट हैंडल कर रहा होता है, या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब खुद हैंडल कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की ये आपको हैंडल खुद नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, बहुत रेयर केसेस में करनी पड़ सकती है, जैसे सी लैंग्वेज वगैरह वो लो लेवल लैंग्वेज है तो उसके अंदर आपको डायरेक्ट रैम का एक्सेस होता है, तो डायरेक्ट रैम के अंदर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब इस तरह की लैंग्वेजेस को ज़रा डिस्करेज किया जाता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, खासतौर पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, जैसे कि वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो एंड यूज़र एप्लीकेशन है उसके लिए लो लेवल लैंग्वेज को ज़रा डिस्करेज किया जाता है। वो कहते हैं यार हाई लेवल आप इस्तेमाल करो जिसमें ये चीज़ें पहले से हैंडल हुई हुई हों इंटरनली, ठीक है। लेकिन अभी भी लो लेवल लैंग्वेज जैसे गूगल क्रोम इटसेल्फ जो बना है उसमें मेमोरी मैनेजमेंट है तो लो लेवल की चीज़ें उसके अंदर लाजमी इस्तेमाल की गई होंगी, ठीक है। तो जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल पे आपको ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये पढ़ाने का जो मकसद था वो ये था कि कंप्यूटर को लेकर आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो डिवेलप हो जाए और कंप्यूटर से जो एक डर है ना आपका वो किसी हद तक रिड्यूस करने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में देखो इंसान डरता पता है किस चीज़ से, इंसान डरता उस चीज़ से जिसके बारे में इंसान को पता नहीं होता कुछ, है ना। भूत से इंसान क्यों डरता है, पता नहीं है कि वो क्या करेगा है ना। सामने से जब बॉलर बॉल कराता है तो उससे बंदा डरता क्यों है, क्योंकि पता नहीं होता कहाँ लगेगा, ये बल्ले पे लगेगा या बॉल पे लगेगा किसी और पे, ये नहीं पता होता कि कहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये जो जब किसी चीज़ के बारे में आपको इन डेप्थ चीज़ें पता लग जाती है ना तो आपको फिर आप उसका डर का आपसे कम हो जाता है, ठीक है। अगर किसी बंदे को शायद पहली दफ़ा मैं स्पोर्ट्स कार में बिठा दूं और उसको 300 की स्पीड से मैं निकालूं तो उस बंदे का हवा निकल जाएगी उस बंदे की, हाँ। लेकिन वो थोड़े दिन तक अगर हो सकता है खुद चलाए, वो दो चार दिन उसको प्रैक्टिस करे या शायद एक महीना प्रैक्टिस करे तो उसके बाद उसका डर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका ये डर सारा ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है, तो जहाज़ में पायलट बैठा हुआ होता है, ज़ाहिर है पहली दफ़ा तो जहाज़ में जो पायलट के तौर पर बैठेगा तो उसकी तो हवा निकल जाएगी, ठीक है। यही वजह है कि उसके अंदर प्रोसीजर है, पहले सिमुलेटर बिठाते हैं, फिर असिस्टेंट बिठाते हैं, फिर काफ़ी दिन तक वो असिस्टेंट रहता है, फिर उसके बाद जाके वो मेन पायलट बनता है। तो ये इसी वजह से उन्होंने प्रोसीजर रखा है। तो ये काइंड ऑफ मैंने आपको जो डेटा दिया ना, क्योंकि बाइनरी को लेके ना हमारे अंदर बहुत डर पाया जाता है, ये मैंने नोट किया है कि जहाँ बाइनरी का नाम है ना, बंदा एकदम हवा निकल जाती है, अबे यार ये कुछ होने वाला है, है ना। तो बंदा जिस चीज़ से बंदे को डर लगता है ना, वो डर इस वजह से लगता है कि उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। अभी जैसे अभी शेर निकला था शारा फैसल पे घूम रहा था, बंदे डर रहे थे ना उससे, बंदे इसलिए डर रहे थे कि बंदों को पता नहीं है कि क्या करेगा, ठीक है। हालांकि जो बिल्ली है ना हमारे पास, जो घर पे जो बिल्ली पाली हुई होती है हमने, वो 67% पता नहीं उसका DNA जो है सेम है, और सारी आदतें और सारी चीज़ें वो बिल्ली की जो है ना वो शेर वाली हैं, ठीक है। लेकिन बिल्ली से नहीं डरते आप, शेर से डर रहे हैं अच्छा, लेकिन जिन्होंने शेर पाले हुए होते हैं घर पे, वो नहीं डरते, वो उसके साथ मस्ती मजाक भी करते हैं, हड़ोड़ी भी कर रहे होते हैं, उछल कूद लगाई होती है उन्होंने, ठीक है। तो अभी वो कौन है, उसने लड़की ने सांप पाला हुआ है, जो पता नहीं वो कोई एक लड़की है, वो कह रही है खताती भी करती हूँ मैं, पता नहीं सिंगर भी हूँ, पता नहीं क्या हूँ, तो उसने भाई सांप वाप पाले हैं घर पे, तो बस मैं तो सांप को देख के दूर दूर ही रहूँगा मैं टच करूँगा उसको, लकड़ी लेके ऐसे यूँ टच करूँगा, बोलो हाथ तो नहीं लगाता भाई मैं उसको पता नहीं है ना यार क्या कर लेगा वो। लेकिन उस जिसने पाला हुआ उसको पता है कि ये एनाकोंडा है, इसमें जहर वहर नहीं होता, बस ये ऐसे ही होता है, बकरी है ये सांप नहीं, बकरी है ये एनाकोंडा में जहर नहीं होता, एनाकोंडा के दांत भी शायद नहीं होते, पता नहीं। और वो मारता कैसे, अपने प्रे को वो दबा के मारता है, वो ऐसे लिपट जाता है और दबा के सांस रोक के और मार देता है, और फिर उसको निगल देता है वो, उसको वो निगलता है, मतलब चबाता हुआ पाता नहीं ये अंजाम भी अच्छा नहीं है हाँ नहीं अंजाम तो ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये नहीं, लेकिन अगर वो सांप 2-3 फीट का ही है, अगर एनाकोंडा, तो 2-3 फीट का सांप मुझे तो नहीं निकल सकता ना, ये तो पता है ना मुझे, तो अब ये पता लग गया ना तो अब डर कम हो जाएगा। तो ठीक है, तो डर को कम करने का तरीका ये है कि उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाए, तो आपका डर ऑटोमेटिकली क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास का हम टारगेट अभी से सेट कर लेते हैं। हमने इस आर्टिकल को कहाँ तक फॉलो कर लिया था, नहीं इसमें अभी मैंने कहाँ तक कर लिया था वो तो देखूँ पहले मैं, B3 यस अच्छा वेदर ऐप हमने बनाना शुरू की थी, अच्छा वेदर ऐप तो हमने कंप्लीट कर ली थी, राइट वेदर ऐप हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर हमारा जो अगला टारगेट था वो क्या था, आ जाओ यहाँ पे, आगे आ जाओ, ये ना फैच API हमारी ये कंप्लीट हो गई है, फैच डेटा, हाँ की भी लगा दी थी हमने, एग्जॉस्ट ये पूरा कंप्लीट कर लिया था हमने, हाँ यूज़ इफेक्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे यार, यूज़ इफेक्ट, असल में यूज़ इफेक्ट हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो कोई ऐप बनाते हुए डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि API कॉल तो हमने इसके बगैर की है। यूज़ इफेक्ट असल में इस चीज़ के लिए होता है कि पेज लोड होते ही अगर कोई API कॉल करनी है ना, फिर उसके लिए होता है, हमने बटन के क्लिक पे किया, हमें यूज़ इफेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसको हम कोई ऐप बनाना शुरू करेंगे अब यहाँ पे, और उसके साथ इसको हम करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, हम जो चैट ऐप बनाएंगे ना, तो चैट ऐप अभी हमने अगला वही बनाना है, तो उसके अंदर हम ये करेंगे, क्योंकि स्क्रीन लोड होते ही मुझे चैट लोड करानी है, लेकिन उससे पहले चैट ऐप के जो बाकी के लवाजमात हैं, स्क्रीन बनाना और डेटाबेस डेवलप करना, वो सारी चीज़ें हम पहले कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ बस अब हमने चैट ऐप बनानी है, ये आर्टिकल हमने पूरा कर लिया, इस आर्टिकल में अब हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। यूज़ इफेक्ट हम उस चैट ऐप को बनाते हुए ही कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा उसके अलावा बात रही जहाँ तक ये यूज़ इफेक्ट की, ठीक है, तो वो हाँ ओपन AI नहीं, पहले तो चैट ऐप जो फ्रंट एंड बनाएंगे उसका, उसके बाद वो तो काम तो करना, वो तो 2-3 क्लास के आगे की बात कर रहे हो तुम अभी अभी पहले स्क्रीन बना के चैट को एक मैसेज भेजूँ मैं, वो सर्वर पर जाए और सर्वर से एक रिस्पॉन्स ऐसी आ जाए डमी, बस पहले इतना काम हमने करना है, ठीक है।
और जब पेज को रिफ्रेश करें तो वो फ़ौरन स्क्रीन पे वो आ जाए मेरे सारी चैट्स। तो इतना काम हमने करना है, ये अगले दो क्लासों में इंशाल्लाह ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी क्लास में हम क्या करेंगे, अब वो जो सर्वर से जो रिस्पांस आता है ना, वो डमी रिस्पांस को रिप्लेस करके उसकी जगह कुछ इंटेलिजेंट रिस्पांस मुझे चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन उस इंटेलिजेंट रिस्पांस के लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस ऐप को वहाँ रोक देंगे, उस ऐप को रोक के हम डायलॉग फ्लो शुरू करेंगे और डायलॉग फ्लो के बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ेंगे, इंटेंट, एंटिटीज़ और फुलफिलमेंट, ठीक है। और एक हेलो वर्ल्ड पूरा डायलॉग फ्लो में बना के तीन क्लासेस लगाएंगे उसके ऊपर हम, तो ये तीन और तीन छः हो गई क्लास। सातवीं क्लास में जाके फिर हम उस डायलॉग फ्लो को क्या करेंगे, अपने सर्वर से अटैच कर देंगे कि जब हमारा बच्चा फ्रंट एंड से मैसेज करे तो वो डायलॉग फ्लो रिस्पांस करे सर्वर के ऊपर से, ठीक है। तो तुमने इतने आगे की बात की है तो चलेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो एक और मैं क्या अभी बात बोलने लगा था, भूल गया। हाँ, कल की क्लास जो है ना इसी टाइम पे होगी, कल सैटरडे है, कल भी हम इंशाल्लाह इसी टाइम मिलेंगे 9 से 11, जो कि इस वीक की हमारी तीन क्लासेस थी ना, तो वो दो कैंसिल हो गई थी, आज तो चलो टाइम पे हो गई है। आज भी कुछ मतलब हड़ताल की सदाएं सुनने में आ रही थी, लेकिन ये है कि मैंने तो रास्ते में कोई ऐसा देखा नहीं है। और स्टिल हाँ, कल की मैंने अवेलेबिलिटी कंफर्म कर ली है, मैं अभी इनसे दोबारा भी पूछ लूँगा और मैं आपको ग्रुप में एक दफ़ा और भी रिमाइंड करवा दूँगा रात को, ठीक है। तो तो मैं ये कह रहा था कि भाई हड़ताल भी अगर होती है ना, कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई जश्न आज़ादी मुबारक है अगर, तो मेरा ये ख्याल है ना कि हमें ये इन चीज़ों के लिए छुट्टी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आम तौर पे, और ये भी समझ लो कि ये होली डेज होते क्यों हैं, होली डेज असल में इसलिए होते हैं जैसे अल्लामा इकबाल का दिन मनाते हैं, ठीक है ना। अल्लामा इकबाल का जो दिन मनाते हैं हम, उसके ऊपर असल जो रीज़न है छुट्टी का वो ये है कि उनके नाम की फिर कन्वेंशंस करते हैं हम कि जी वो अल्लामा इकबाल का डे मनाया जा रहा है, जी फला जगह एक कन्वेंशन हो रही है या फला जगह एक तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें अल्लामा इकबाल के बारे में बात डिस्कस होगी कि वो थे कौन, वो करते क्या थे, हम क्यों उनका दिन मनाते हैं, वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक याद दहानी होती है ना, कि एक दोबारा से रिमाइंड करवाया जाए कि ये हमारा लेजेंड जो था ना, जिसको हमने लेजेंड डिक्लेयर किया हुआ है, आया कि हमने उसको लेजेंड क्यों डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो इसलिए होता है कि जी आप सब लोग अपने काम धंधों से अगर आप छुट्टी लेके आप उस तरह की तकरीब में जाएं और उनके बारे में रिसर्च करें आप, ताकि आप उस सेम पेज पे आ जाएं, अपने एंसेस्टर्स के सेम पेज पे आ जाएं, जो एक वो मिशन लेके चल रहे थे उसके ऊपर आ जाएं, ठीक है, हम वापस अपने सेम पेज के ऊपर आ जाएं। तो हम ज़रा वो उसको क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा उसके लिए कि अपने मरकज़ से हम जो है ना दूर निकलते जा रहे हैं, तो वापस अपने मरकज़ पे आ जाएं, इसलिए हम छुट्टी करते हैं। हमारे यहाँ जो ना होली डे ज़रा मामला अलग हो गए, हमारे यहाँ क्या होता है, बीवी बच्चे बोलेगे सीधा पी एफ म्यूज़ियम चल मेरा भाई, ऐसा रश लगा हुआ होता है पी एफ म्यूज़ियम में और जो है ना इधर ये पार्क वगैरह जो बने हुए हैं, तो बस वो सारा वही चल रहा होता है। रेस्टोरेंट्स पे ऐसा रश लग जाता है होली डे वाले दिन, हालांकि असूलन तो होना ये चाहिए कि रेस्टोरेंट पे एक भी बंदा ना हो होली डे में ना, कोई बड़ा जलूस हो रहा हो, कोई बड़ा जलसा हो रहा हो, और वहाँ पे जो है वो जो भी हमारा इस वक्त अभी जो भी कायम मुकाम जो लीडर्स मौजूद हैं उनमें से कोई खड़ा हो गया, मैं अल्लामा इकबाल के बारे में बता रहा हूँ कि यार अल्लामा इकबाल क्या थे, मुशायरा मुनक्किद हो जिसमें अल्लामा इकबाल के शेर को डिस्कस किया जाए, ठीक है ना। तो ये हम ना ये हम करते नहीं हैं और हम छुट्टी करते हैं, तो असूलन ना जो जिस तरह की छुट्टी हम करते हैं ये छुट्टी करना तो इलीगल होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, और दूसरा ये है कि भाई ये तरक्की याफ्ता कौमों के लिए होता है, ठीक है, हम तरक्की पज़ीर कौम हैं, अभी हमें ये चाहिए कि हम अल्लामा इकबाल के बारे में रिसर्च तो करें लेकिन छुट्टी करके ना करें, ठीक है, शाम के वक्त हम अलग से टाइम निकाल के करें। और हमारे पास तो वैसे ही टाइम बहुत होता है यार, अब तो कोई इशू भी नहीं है, अब तो इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, अब तो वॉशरूम में सुबह बैठे बैठे भी बंदे थोड़ा बहुत एक दो शॉर्ट्स देख ही लेते हैं नहीं नहीं करके ना, तो हमें तो अब छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम भाई ये हड़तालें या अगर कोई के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई हड़ताल कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कोई ऐसा रेवोल्यूशन आ रहा है, तो हमें एज अ स्टूडेंट ये चाहिए कि हम जो है ना उसका पार्ट फ़िलहाल ना बने, सही है, सिर्फ मैं इन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो यहाँ बैठे हैं। क्यों, हम एक दूसरा मिशन भी तो लेके चल रहे हैं ना यार, हम एक मिशन लेके चल रहे हैं कि हमने ये सारा कुछ सीख के हमने पैसे कमाने हैं, अपने लिए पैसे कमाने हैं, अपने मुल्क के लिए पैसे कमाने हैं, और एक ऐसा पैसा हम मुल्क के अंदर लाना है जो मुल्क के अंदर अभी मौजूद नहीं है, बाहर से लाना है। ये फैक्ट्री वर्कर्स तो सारे यहीं पर काम करके यहीं से रेवेन्यू ले रहे होते हैं ना, ठीक है, लेकिन हम वो पैसा लाएंगे जो हम बाहर से लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा जो मिशन है ये इससे बड़ा मिशन है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इसका हिस्सा फ़िलहाल नहीं बनना चाहिए। वंस आप ये सारी चीज़ें कर लें, आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएं तो फिर आप करें,
ठीक है, असूलन तो ये जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो हड़ताल है वो असूलन तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको करना चाहिए, ठीक है। आम आवाम के लिए तो शायद इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा बड़ा मसला है, ठीक है। आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा 200, 300, 500 यूनिट चल जाते होंगे, ठीक है। तो जिसका 1 लाख यूनिट इस्तेमाल कर रहा है जो महीने का, उसको करना चाहिए ना असल एहतजाज, तो है ना। सोलर लगाया हुआ है तो एक मशीन जो होती है ना, आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा एसी होगा, एसी कितना लेता है, 2500 वाट। अगर एसी मैक्सिमम पे चले तो 2500 वाट लेता है, वो भी मैक्सिमम पे चलता कहाँ है, वो थोड़े देर में ठंडा कर देता तो नीचे आ जाता है। तो जिस बंदे की मशीन जो है वो 10 मेगावाट ले रही है, जो जिस की मशीन, तो उसको करना चाहिए ना। जो टेक्सटाइल की फैक्ट्री के अंदर जो एक मशीन होती है उसके अंदर कोई मेरे ख्याल है कि 150 के करीब मोटरें होती हैं, 1000-1000 वाट की 150 के करीब मोटरें होती हैं। तो ये कितने वाट हो गए सिर्फ मोटरों के, ये जो उसमें मोटर्स होती हैं जो उसको कन्वे कर रही होती है कपड़े को आगे। तो अगर 1000-1000 वाट वाली अगर 150 मोटरें हैं तो कितने हो गए, ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 150 करो ना, ये हो गए, हाँ 150,000 वाट हो गए। 1,50,000 वाट का क्या मतलब हुआ, 150 किलोवाट। 150 किलोवाट की एक मशीन होती है उनकी, और 150 किलोवाट की अगर 10 मशीनें लगी हुई हैं, 150 वाट की अगर 10 मशीनें, और 10 मशीनों से कम की तो फैक्ट्री नहीं होती ना यार, टेक्सटाइल की फैक्ट्री में 10 से कम मशीनें नहीं होती, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक पे कलर होगा, दूसरे पे डेवलप होगा, तीसरे पे ड्राई होगा, तो वो ज़ाहिर है 10 के करीब तो वो प्रोसेस ही है। तो मल्टीप्लाई भाई उसको मैं 10 करूँ ना तो 1500 किलोवाट है, 1500 किलोवाट का मतलब है 1.5 मेगावाट। तो 1.5 मेगावाट तो नॉर्मली एक फैक्ट्री ले रही होती है ना आपकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री, तो 1.5 मेगावाट जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है दिन में 8 घंटे चलेगा उसका, वो 1.5 मेगावाट दिन में 8 घंटे चलेगा, है ना। मतलब जो यूनिट होता है असल में वो वाट आवर होता है, कि 1000 वाट आवर का एक यूनिट होता है, ठीक है। तो ये तो मेगावाट, तो ये तो एक दिन में ही पता नहीं 200 यूनिट गिराएगा, है नहीं, उनको निकलने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो उनको तो पॉलिटिशियंस को प्रेशराइज करेंगे, वो तो फ़ोन घुमाएंगे, उनका तो फ़ोन का काम है सारा, और वो एक वकील करेंगे, वो वकील जाके कोर्ट में केस करेगा, पटिशन डालेगा के इलेक्ट्रिक के ऊपर, वो मामला यार ऐसे चलते हैं। ये रोडों पे निकलने वाला मामला अब बहुत पुरानी बात हो गई है, इस मंथ में। अच्छा हाँ, तो फैक्ट्रीज ने देखो, अभी ये देखो ना, इस महीने का बिल नहीं भरा किसी ने भी, तो बस गेम उतार दी उन्होंने। अब आप सोचो ना उनका बिल कितना हो, तो नहीं अगले महीने नहीं उतारेंगे, वो नहीं उतारेंगे यार, वो वकील करेंगे और वो वकील भेजेंगे कोर्ट में, और वो कोर्ट में जाके जो है ना वो उनकी गेम उतार देगा के इलेक्ट्रिक वालों की। वो जो छोटी छोटी पॉलिसीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो वकील सारा स्टडी करके जब केस तैयार करेंगे ना उसका, तो के इलेक्ट्रिक वालों को फिर 10 वकील करने पड़ेंगे उसको डिफेंड करने के लिए। हाँ, ये सब मिल के करते हैं। अच्छा, और जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, इनके पास वकीलों का पूरा डिपार्टमेंट है। हमारा दोस्त है ये शेल जो कंपनी है ना, जो पेट्रोल डलवाते हैं शेल से, इसकी शेवरॉन करके कंपनी है, तो वहाँ पे वो काम करता था। तो वहाँ पे पता नहीं उन्होंने 500-600 वकील हायर किए हुए थे, पूरा डिपार्टमेंट था, वो टैक्स फाइलिंग वाले डिपार्टमेंट में गया था वो, तो 500-600 लोग थे, वो सारे ही वकील थे। तो 500-600 यानी वो डिपार्टमेंट पूरा टैक्स फाइलिंग वाला जो क्या था, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, क्या होता है वो, हाँ उस तरह का कोई डिपार्ट था। तो उसके अंदर वो सारे टैक्स फाइल जो करते हैं वो लोग वकील होते हैं आमतौर पर, जो टैक्स फाइल कर रहे होते हैं। तो वो भी वकील है, मेरा जो दोस्त है वो भी वकील है। तो वहाँ पे गया, उसने देखा यार मैं तो इधर ही जिधर देखूँ वकील ही वकील है, कह रहे जिस बंदे से मैं बात करूँ वो भी वकील है, चपरासी भी वकील हैं सारे। तो भाई उन्होंने रखे होते हैं, रेडी किया होता है, इसके बगैर तो बिज़नेस चल नहीं सकता ना यार। अब आवाम को हमारे लीडर बोलते हैं कि यार आप रोड पर आ जाओ, अब रोड पर आने से क्या होगा, ये तो चीज़ें यार पॉलिसी मेकर्स का काम है ना, ये तो पॉलिसी मेकर जो उसको प्रेशराइज़ करना होगा ना, वो कैसे प्रेशराइज़ होगा, कोर्ट से होगा प्रेशराइज़, और कैसे होगा वो, है ना। फिर वो भी सामने से जस्टिफिकेशन देगा कि यार मैं कर नहीं सकता, तो उसका फिर हल भी चाहिए होता है, फिर हल भी आपको लेके जाना होता है जेब में डाल के, कि इसका हल क्या है, सामने से वो पूछ लेना यार आप बता दो क्या हल है, तो हल भी आपको रेडी करके जाना होता है। तो आवाम को तो वो बोलते हैं यार रोड पर आ जाओ, उससे होगा क्या,
ठीक है, लेकिन स्टिल चलो आवाम के रोड पे आने से जो है ना पब्लिक एक आवामी ताकत दिखती है तो ज़रा फ़र्क तो पड़ता है कहीं ना कहीं। लेकिन ये कि यार उससे आवाम का नुकसान भी तो होता है ना। वेल अब ये मेरा मसला नहीं है कि आवाम रोड पर निकले, हाँ ये मेरा मसला नहीं है कि आवाम निकले या ना निकले, आवाम को मैं कुछ नहीं कह रहा, आपको मैं कह रहा हूँ कि ये जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ना यार, आप लोगों ने क्लास में ज़रूर आना है, ठीक है। कभी भी कोई हड़ताल वड़ताल हो, मैं तो सैलानी वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार हॉलीडेज़ में भी ना यहाँ क्लास ऑफ ना किया करें, 14 अगस्त में भी क्लास ऑफ ना किया करें। लेकिन बहरहाल वो चीज़ अभी तक पेंडिंग में, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है। तो लेकिन चलो हड़तालों वगैरह में तो आओ ना, जश्न आज़ादी में तो ऑफिशियल छुट्टी होती है, वो तो चलो ठीक है। ठीक है यार, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली क्लास में, मुलाकात रहेगी आप सब लोगों से, अल्लाह हाफिज़, कल सुबह 9 बजे।